पहले मैं हेलो। फिक्शन फिक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया? फिक्शन क्या होता है? तो फिक्शन होता है भैया, फिक्शन क्या है भैया? फिक्शन क्या है भैया? अपोजिंग फोर्स है। क्या है भैया? इसको अपोज करता है रिलेटिव मोशन इन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती है, अगर उनके बीच में किसी प्रकार की रिलेटिव मोशन आती है, तो उसको अपोज करने के लिए कौन आएगा? फ्रिक्शन। क्या आएगा? फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन अपने पास। अच्छा भैया ध्यान रखना, फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या है भैया? फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली मोनिटर टू, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड। जितने ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू करोगे, उतना ज्यादा क्या फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। कब तक? अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक क्या होता है भैया? आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ता रहेगा, ठीक है भैया? समझ गया। टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात करता हूँ, तो भैया फ्रिक्शन के तीन टाइप है भैया। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या होता है भैया? वो फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में रहती है, अप्लाइड फोर्स के लगाने के बाद बॉडी नहीं चलती, तो जो फ्रिक्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक। हाँ, म्यू की वैल्यू नहीं, ठीक है। दूसरा है भैया काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है भैया दूसरा भी आपका? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन जब आता है, जब बॉडी आपकी क्या होती है भैया, आप फोर्स लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाता है, तो उस लास्ट फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक, मैक्सिमम मैक्सिमम स्टैटिक। इसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ता, ठीक है भैया? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा आता है भैया काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है भैया? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी आपकी मूव करने लगती है, उस जो फ्रिक्शन फोर्स आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक। और ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्या होता है? मैक्स स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होता है भैया? आपको ये भी बता रखा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है? स्टैटिक से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बराबर भी होता है। किससे? स्टैटिक से। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग से हमेशा क्या होता है भैया? छोटा होता है। क्या होता है? याद है? ठीक है, समझ गया। ग्राफ ये ध्यान रखना, ये ग्राफ आपका ऐसा, ये आपका फ्रिक्शन और ये क्या है भैया? आपका फोर्स है। बढ़ाओगे बढ़ता रहेगा, कहाँ तक बढ़ेगा? लिमिटिंग तक। उसके बाद फिर ये ग्राफ क्या तो नीचे आता है, ऐसे चलता है, ठीक है? अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है। तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन ध्यान रखना, कम इसलिए होता है क्योंकि भैया बॉडी उस वक्त क्या होती है? मोशन में होती है। क्या होती है? बॉडी के पास जो इनर्शिया होता है वो भी क्या होता है? मोशन का ही होता है। और आप भी फोर्स लगा के उसको मोशन में ही रखना चाहते हो, और इनर्शिया भी फोर्स उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, डायरेक्शन में क्या हो रही है? बॉडी मोशन कर रही है, इसलिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। जब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में रहती है, तो इनर्शिया का आप मोशन में लाने का प्रयास करते हो, इनर्शिया आपके अगेंस्ट में फोर्स लगाता है। जब इनर्शिया के अगेंस्ट में आप काम करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए फ्रिक्शन क्या होता है भैया? क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज्यादा तो फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है भैया? तो इसलिए बॉडी रेस्ट में रहेगी तो इनर्जिया आपके अगेंस्ट में काम करेगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा रहेगा और फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब बॉडी मोशन में होगी तो इनर्जिया आपकी डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए आपको अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ता है और फ्रिक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। समझ गए भैया? ये मैंने आपको बता दिया था। फिर बात करते हैं भैया टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, और दूसरा क्या होता है भैया? रोलिंग। क्या होता है? रोलिंग। स्लाइडिंग में क्या होता है भैया? एक बॉडी की सरफेस दूसरी बॉडी की सरफेस पे क्या करती है? स्लाइड करती है, जैसे चप्पल जमीन पे चलती है। किसी चीज को आप ब्लॉक को खींचो, वो भी क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है? और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब पहिया घूमता है, ठीक है? अब रोलिंग फ्रिक्शन को थोड़ा बता देता हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है भैया? जब पहिया रोल करता है जमीन पर, तो जो फ्रिक्शन आता है उस वक्त हम क्या कहते हैं भैया? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वजह क्या होती है? तो पहिया का बहुत छोटा पार्ट क्या होता है? जमीन के कॉन्टेक्ट में होता है, जिसकी वजह से जमीन क्या होती है? धस जाती है, डिप्रेस भी आती है। जमीन और पहिए के बीच में क्या होता है? बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बॉन्ड से क्या होता है भैया? एडहेसिव बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? और साथ साथ में एक गड्ढा बन जाता है, और पहिए के आगे क्या होता है? एक एलिवेशन, एलिवेशन क्रिएट हो जाता है। अब गड्ढे से और एलिवेशन से बाहर निकलने के लिए पहिए को क्या लगाना पड़ता है? एक्स्ट्रा फर्ट लगाना पड़ता है। इसकी वजह से पहिए की मोशन क्या होती है? स्लो हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं भैया? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं भैया? रोलिंग फ्रिक्शन कम करने के लिए रोड को बढ़िया बनाओ, सॉलिड बनाओ, दमदार बनाओ, ताकि भैया पहिया धसे ना। रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए पक्की रोड पर रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? आपकी कम होती है, ठीक
ठीक है। लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, तो लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में आपको अगर याद होगा तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है वो किसके डायरेक्टली होता है, पहिए के वेट के, नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। और दूसरा इनवर्स, किसके इनवर्सली होता है, पहिए की रेडियस के, याद है। इसको कंबाइन करने के बाद आपका रोलिंग फ्रिक्शन क्या आएगा, आपका एन अपॉन में आर, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, म्यू के एन अपॉन में आर, ठीक है। उसके बाद आता भैया बात करते भैया लॉ ऑफ फ्रिक्शन, किसकी बात करते भैया, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या कहता है भैया, जो बॉडी होती है और सरफेस होती है उनके बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि दोनों बॉडी की कांटेक्ट सरफेस कितनी है, ज्यादा कांटेक्ट है कम कांटेक्ट है, समझ गया। अगर एक बॉडी को आप ज्यादा कांटेक्ट एरिया से रिमोट ले लो, रिमोट के बहुत सारे फेज होते हैं, एक में कम कांटेक्ट आएगा, एक में ज्यादा कांटेक्ट आएगा, एक में बहुत ज्यादा कांटेक्ट आएगा, तो कहता भी है फ्रिक्शन इस पर डिपेंड ही नहीं करता, फ्रिक्शन डिपेंड करता है अगर एक ही रिमोट है उसको अलग अलग तरीके से रखो, अलग अलग फेस पे रखो, तो भैया आपका फ्रिक्शन क्या आएगा, सेम रहेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इनडिपेंडेंट ऑफ द सर्फेस एरिया इन कॉन्टेक्ट, कितना भी कांटेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये थ्योरी हर जगह पर क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है भैया। तो पहला क्या है ये कि सरफेस जो, और दूसरा कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट फोर्स, क्या है, यानी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने क्या बोला था, कॉन्टेक्ट फोर्स बोला था, तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्टेक्ट फोर्स के। अब इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कॉन्टेक्ट फोर्स वेट के बराबर होता है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल्स में म्यू एम जी, क्या होती है, एफ इक्वल्स टू एन की वैल्यू को हम एम जी लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंक्लाइन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो एन और एम जी बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इंक्लाइन प्लेन पे रखता हूँ तो एन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, और वो एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी कॉस थीटा के बराबर आती है, समझ गया। तो इसलिए बॉडी क्या होती है, इंक्लाइन प्लेन पे आसानी से आ जाती है, क्योंकि वहां पर कॉन्टेक्ट फोर्स कम हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कॉन्टेक्ट फोर्स काफी ज्यादा होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फ्रिक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा लगता है, समझ गए भैया। यही काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉ था, लॉ ऑफ सेम सेम, ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू कॉन्टेक्ट फोर्स, एफ इक्वल्स टू में म्यू इनटू में एन। अब ये यहाँ पर ये क्या है, एन क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी के बराबर होती है, और इंक्लाइन प्लेन की बात करूँ तो एन एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी कॉस थीटा के बराबर होती है, याद है, समझिए। फिर उसके बाद मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। अब वो कोई भी फोर्स होता है, कोई भी फोर्स, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकती, बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता नहीं है, नोट्स में लिखवाया था मैंने, बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता नहीं है, क्या करता है, पकड़ के रखता है सेंटर के अलावा, होल्ड करके रखता है, ठीक है भैया, ताकि वो भाग ना जाए। और जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा बॉडी उस डिस्टेंस से भाग नहीं सकती, इसलिए क्या करती है, गोल गोल घूमती रहती है। अब ये कोई सा भी फोर्स होता है, जैसे मैं बात करूँ सन और अर्थ की, तो अर्थ को सन से पकड़ के किसने रखा है, ग्रेविटेशन फोर्स ने, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ठीक है भैया। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एडवांटेज आप सब जानते भैया, ठीक है भैया, और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी सारे जानते हैं। फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट और बॉल बैरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। और उसके बाद आते हैं भैया, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, भैया। अब बात करते भैया डेरिवेशन सर, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं भैया हम वर्क, ठीक है, वर्क पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आपको वर्क करना, आप बॉडी को यहां से यहां तक ले आना चाहते हो, तो आपको पता फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इधर लगेगा, अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो एन और एम जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, बोला, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी, म्यू एम जी क्या होगी, आप यहां से उठा करके बॉडी को यहां पर लेके आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एक्स किया, तो आपका जो फोर्स होगा इस बार फ्रिक्शन के बराबर होगा, आपको पता है, क्योंकि आप जानते हो ज्यादा लोगों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बराबर लेना हमें, तो वर्क क्या होता है, अब पहले देखो अप्लाइड फोर्स, अब फोर्स कितना है फ्रिक्शन के बराबर, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी, तो एफ इक्वल्स में क्या होगा, म्यू एम जी, एफ की वैल्यू, ये तो फोर्स हो गया, वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, समझ गया। और दूसरा कई बार बोलता है एक्सीलरेशन निकालो, तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन के बराबर होता है, तो इसके बराबर होगा म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल होगा, तो एक्सीलरेशन क्या गया, म्यू जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, अब आता है इंक्लाइन प्लेन,
इंक्लाइंड डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन में बॉडी क्या होती है, अपने आप ही नीचे आ जाती है, क्या आती है, अपने आप नीचे आती है। अच्छा ये क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन, याद है, ये क्या होता है वेट, ये थीटा, तो ये क्या होगा थीटा, ये एम जी, ये एम जी, अब बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर। अच्छा बॉडी अपने आप नीचे आ रही है, इसका मतलब एम जी जा रहा होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। आपको याद है नेट फोर्स किसके बराबर होता है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, दिस फोर्स, ये वाला फोर्स क्या कम है। नेट फोर्स हमेशा ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा, एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू मैन, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, एम जी कॉस थीटा, ये आएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये फोर्स हो गया, क्या हो गया, फोर्स हो गया। अगर आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन के, ठीक है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन का वर्क निकालना, तो क्या करो, वर्क क्या करें, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स, ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके बी तक की वैल्यू कितनी है एक्स है, तो वर्क कितना होगा, फोर्स यहाँ पे ये लगा दोगे और डिस्प्लेसमेंट कितना भी है एक्स है, तो वर्क आ गया। अब द प्लेन क्या है, अप इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर ले आ रहे हो प्लेन के, ये रहा डायग्राम, आप बॉडी को ऊपर ले आ रहे हो, नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, ये रहा एम जी, ये रहा थीटा, ये रहा क्या थीटा, एम जी, एम जी, अगर आप ऊपर ले आ रहे हो तो भैया का फंक्शन कहाँ लग गया, नीचे, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इन दोनों से नीचे से ज्यादा, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स होगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो इक्वली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन का, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं उठा, हो गया, समझ गया। ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, नीचे जाएगा तो। उसमें दिमाग लगाना बस थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। अब आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं, तो एम जी ये रहा और नॉर्मल रिएक्शन ये होता है, फोर्स जैसे ही आपने फोर्स लगाया वैसे ही बॉडी क्या लगाती है, फ्रिक्शन क्या लगाती है, तो वैसे ही एन और एफ का जो रिएक्शन होता है, रिजल्ट होता है, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर आप फोर्स और बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन क्या होता है, और बढ़ जाता है, तो ये रिजल्ट क्या होता है, और इधर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो रिजल्ट और एन के बीच में जो एंगल बनता है, किसका रिजल्ट है, एन और एफ का रिजल्ट, ये रिजल्ट किसका है, एन और एफ का, तो इनके बीच का जो रिजल्ट होता है उसका और नॉर्मल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप देख रहे हो कि भैया ये फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सही है, पता लग जाता है इसमें, वरना तो पता नहीं लगता था, ठीक है। तो आपको पता है जब फोर्स जीरो रहेगा, फ्रिक्शन जीरो रहेगा, तो रिजल्ट भी नहीं रहेगा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया वैसे ही फ्रिक्शन आया, वैसे ही ये रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब एंगल भी बन गया, इसका मतलब आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा, और फ्रिक्शन जैसे आया वैसे रिजल्ट आया, थीटा भी आ गया, तो वही लिख रखा होगा कि फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा कब होगा, जब ये रिजल्ट ज्यादा होगा, रिजल्ट ज्यादा कब होगा, जब एफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही है, और इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, कुछ नहीं करना आपको, ट्राइंगल बना लो, क्या बना लो, ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है भैया, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस है, तो भैया टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या ये है, ये किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर होगा, और बेस क्या है, एन के बराबर, एफ अपॉन में एन क्या होता है, म्यू होता है, क्योंकि तो आपको पता है एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एन होता है, एफ इक्वल्स में क्या होता है, म्यू एन होता है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन में एन, एफ अपॉन में एन जहां पे मिलेगा म्यू लिख दो, तो थीटा इक्वल्स में क्या होगा, टेन इनवर्स। फिर आता है एंगल ऑफ रिपोज, क्या आता है,
एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज क्या होता है भैया? वो एंगल जिसपे कोई बॉडी स्लाइड करने वाली होती है, इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जिसपे बॉडी आपकी क्या होती है, स्लाइड। स्लाइड कर नहीं रही है, करने वाली है, इससे ज्यादा एंगल हो गया। तो भैया अगर बॉडी अपने आप स्लाइड कर रही है, इसका मतलब ध्यान रखना उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से क्या ज्यादा है। ये भैया बॉडी है अभी स्लाइड नहीं कर रही, तो ये है बॉडी, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या है भैया, वेट एम जी। अपने को पता है ये भी थीटा एंगल होगा, तो क्या एम जी कॉस थीटा, और ये क्या एम जी साइन थीटा, और ये क्या होगा भैया फ्रिक्शन, क्योंकि आपको बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब एन किसके बराबर होगा, एम जी, एम जी कॉस थीटा के बराबर, और एफ किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एम जी से एम जी का कैंसिल हो गया, ये हो गया एन अपॉन में एफ बराबर में क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्या होगा इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हुआ टेन थीटा, और ये क्या हुआ एफ अपॉन में एन, एफ अपॉन में एन क्या होता है म्यू होता है, तो थीटा क्या हुआ टेन इनवर्स, यानी एंगल ऑफ रिपोज। और वो दोनों क्या, इसमें बॉडी आपकी चल नहीं रही है और उसमें बॉडी आपकी चल नहीं रही है, दोनों कंडीशन बॉडी क्या रेस्ट में, ठीक है समझ गया। चलो फिर आता भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह खत्म हो गया, फिर आता भैया बैंकिंग ऑफ द रोड। क्या आता है, पहले आपकी नॉर्मल नॉर्मल लेवल रोड पर अगर कोई बॉडी गाड़ी मुड़ रही है, ये लेवल रोड है ठीक है, ये कोई गाड़ी खड़ी है यहाँ पर लेवल रोड है, बैंक नहीं कर रखा ठीक है, तो एन किसके बराबर होगा एम जी के, बॉडी मुड़ रही है तो जर्क कहाँ होगा बाहर, तो फ्रिक्शन छी जर्क जाएगा बाहर, तो फ्रिक्शन का आएगा अंदर। मैंने आपको बताया वो हर फोर्स फ्रिक्शन होता है जो सेंटर की तरफ लगे, यहाँ पर सेंटर की तरफ क्या लग रहा है एफ लग रहा है, तो इसलिए कहा ये फ्रिक्शन के सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स याद है आपको एम स्क्वायर अपॉन में आर, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है म्यू इंटू में एन, और म्यू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर ओरिजिनल एम जी, और ये जगह एम स्क्वायर अपॉन में आर, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू क्या, वी स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट सॉरी जी आर रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जी आर म्यू जी आर, तो वी क्या होगा ये होगा वेलोसिटी ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। फिर आता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्या आता है, पहले साइकिल ऐसे चलती है बाइक अलोंग, लेकिन क्या होता है कोई टर्न आता है तो साइकिल वाला क्या करता है ऐसे मोड़ लेता है, ठीक है नॉर्मल पहले यहाँ पे था अब नॉर्मल यहाँ पे आ गया ठीक है, तो नॉर्मल अगर साइकिल इतनी मुड़ी है तो नॉर्मल भी क्या हो गया होगा इतने मुड़ गया होगा, तो एन कॉस थीटा, और ये क्या होगा एन साइन थीटा, और ये क्या बॉडी का वेट है, हमें पता है ये जो एन साइन थीटा है वो इस सेंटर के सर्कल की तरफ लग रहा है, सेंटर एन साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है ओ की डायरेक्शन, ये देखो ना ये कर्व है, ये कर्व है ना जिसमें मोड़ रहा है आदमी, कर्व की रेडियस होती है और कर्व का सेंटर भी होता है, तो ये कहाँ पे लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है, तो किसके बराबर होगा सेंटर पे एम जी स्क्वायर अपॉन में आर के, एन किसके एम जी एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा एम जी के, हमने क्या किया एन साइन थीटा जो कि क्या है एम जी स्क्वायर अपॉन में आर है, एम क्या मास ऑफ साइकिल, वी क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी, और आर क्या है इसकी रेडियस, क्या है जिस कर्व में टर्न मार रहा है ना उसकी रेडियस है, और वी क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगी एन, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, एन से एन कैंसिल, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है टेन, और ये क्या हुआ एन से एन कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन में जी आर, तो वी स्क्वायर क्या हुआ जी आर टेन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वी क्या हुआ अंडर रूट जी आर टेन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये केस वहां पर भी यूज होता है जहां पर ऐसे से गाड़ी की बात किया कि जो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगाती, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं लगा, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं करा रखा है। फिर आता है बैंडिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड, सबसे मेन डेरिवेशन है ठीक है, बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड करना है ठीक है। बैंकिंग ऑफ द रोड में क्या होता है, ये लेवल रोड थी, लेवल थी ना, इसको थोड़ा बैंड कर दिया ऐसा ठीक है, बैंक कर दिया थीटा एंगल है, ये क्या है भैया गाड़ी है, ये इसका क्या है वेट है, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे था ना, लेकिन अब ऐसे हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसके रखा है, यानी ये एंगल क्या हुआ बराबर हुआ याद है, तो अब एन इधर आ गया, तो इधर क्या हुआ एन कॉस थीटा, और ये क्या हुआ एन साइन थीटा। अच्छा अपने को पता बाहर की तरफ जर्क लगेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा अंदर की तरफ, तो ये क्या थीटा ये भी होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा थीटा, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा, यहाँ पर एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा नीचे वाले कंपोनेंट के एफ साइन थीटा प्लस एम जी है ना, एक होगा एन कॉस थीटा, एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू एन, इधर ले आइए माइनस मिल जाएगा बराबर में एम जी, एन कॉमन ले लीजिए कॉस थीटा,
माइनस म्यू साइन थीटा बराबर में क्या आ गया एम जी, जो भी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों कंपोनेंट कहाँ लग रहे हैं, इस सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है, यानी किसके बराबर होंगे दोनों, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, एन साइन थीटा, और एफ की वैल्यू क्या लिख दी, म्यू एन कॉस थीटा, ये किसके बराबर होंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स के, एन कॉमन ले लीजिए साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर में क्या हुआ एम वी स्क्वायर अपॉन में, और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, समझ गया कैसे करना है वो तो पता ही होगा आगे, ठीक है। फ्रिक्शन पूरा खत्म हो गया, ठीक है भैया, फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब बात करते हैं भैया थ्योरी वाले बारे में, ठीक है, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में फोर्स क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल, ठीक है, फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, फोर्स क्या है भैया, एक एक्सटर्नल एजेंसी जो बॉडी की स्टेट को क्या करता है भैया, चेंज कर देता है, ठीक है भैया, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है भैया। फिर उसके बाद में भैया बात करते हैं भैया एरिस्टोटल फॉलेंसी, एरिस्टोटल ने बोला था भैया कि यदि किसी बॉडी को हमें धरती पर यूनिफॉर्म स्पीड से रखना है तो उसको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, क्योंकि धरती पर रहने वाली चीज क्या करती है, फ्रिक्शन की वजह से स्लो होती है, अगर उसी स्लो स्पीड को जितनी स्लो ही है उतनी बढ़ानी है तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है। फिर आता है भैया लॉ ऑफ फ्रिक्शन, क्या आता है, और इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, अच्छा पॉजिटिव फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के भैया इनर्शिया क्या कहता है भैया, इनर्शिया एक ऐसी इनर्शिया मास वाली बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसकी है, और जिसका जितना मास होता है उसके पास इनर्शिया भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है, क्या कहता है भैया ये, तो कहता है भैया यदि किसी कोई बॉडी भी है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, समझ गए भैया, ये बॉडी का इनर्शिया उसकी स्टेट को चेंज होने से क्या करता है, अपोज करता है, बॉडी का इनर्शिया उसकी स्टेट को चेंज में अपोज करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आते हैं भैया टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है यदि बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर आप चलने का प्रयास करोगे तो इनर्शिया आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा देगा, क्या लगा देगा, और आपको चलने से रोकेगा, बॉडी को चलने से रोकेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया था भैया कि एक एक आदमी रेस्ट में रहता है, एक बस चलती है तो भैया आदमी क्या होता है, गिर जाता है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट मास कम है, जमीन के कांटेक्ट में होता है, बस के कांटेक्ट में होता है, तो ये क्या होता है तुरंत इसका मास कम होने की वजह से, इनर्शिया कम होने की वजह से क्या होता है, बस के साथ आगे निकल जाता है, लेकिन अपर पार्ट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बस के साथ कॉन्टेक्ट में भी नहीं है तो इसलिए क्या होता है, पीछे आता है, और आप क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी चलती रहती है उसके पास मोशन, इनर्शिया भी आगे की तरफ फोर्स लगाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बॉडी रुकती है इनर्शिया आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जमीन जमीन बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होने की वजह से तुरंत रुक जाती है, क्योंकि इनर्शिया कम होता है, अपर पार्ट का मास ज्यादा होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है तो वो क्या होता है आगे की तरफ चलती रहती है, इनर्शिया आगे की तरफ फोर्स लगा के आपको क्या करता है गिरा देता है, डायरेक्शन में याद है आपको जब गाड़ी एक आध टर्न लेती है तो टर्न लेने की वजह से क्या होता है भैया कि शार्प टर्न लेने की वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, आपकी बॉडी का जो इनर्शिया होता है कहता है मेरी डायरेक्शन तो वो थी जहाँ पहले चल रहे हो, अब गाड़ी की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई है, तो लोअर पार्ट क्या होता है मास कम होने की वजह से वो गाड़ी की डायरेक्शन में निकल जाता है, लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होने की वजह से वो कहता है अपनी डायरेक्शन में चलता रहता है, इसलिए आप क्या होते हो बैंक ही आते एक साइड में, समझ गए। फिर आता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या है भैया, इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या है भैया, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है भैया, मोमेंट मूवमेंट का एग्जांपल है फुटबॉल में फोर्स लगा, ठीक है, फुटबॉल, आप ये देखेंगे मूवमेंट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स और फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, यदि किसी फुटबॉल पे फोर्स लगाएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, और यदि कोई फुटबॉल टकराए किसी बंदे से तो उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ठीक है, कारण है कि एक दूसरे का कारण होता है, ठीक है भैया। उसके बाद फिर मैंने बोला था मोमेंटम जो होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है एसआई यूनिट केजी मीटर पर से केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया, और डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है MLT-1, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है जीरो भी होता है, समझ गए भैया, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों होते हैं होता है, ठीक है भैया। और मोमेंटम जो होता है वेलोसिटी का डायरेक्टली होता है, इसलिए इसका ग्राफ पी और वी का ग्राफ क्या होता है भैया, डायरेक्टली होता है, इसका स्लोप क्या देगा आपको लिखवा रखा होगा मास देगा, इसका स्लोप क्या देगा मास देगा, स्लोप निकालो ना, ये क्या होगा पी हो गया, ये क्या होगा वी हो गया, थीटा स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन क्या होता है पी अपॉन में वी हो जाएगा, पी क्या होता है एम वी अपॉन में वी, वी से वी कैंसिल हो गया तो स्लोप ने क्या दिया मास दे दिया, क्या दे दिया, अच्छा अपने को पता पी इज डायरेक्टली इक्वल टू एम भी होता है, तो पी इज डायरेक्टली इक्वल टू एम, तो ये क्या होगा पी और एम का जो ग्राफ होगा ऐसे आएगा, ठीक है भैया, इसका स्लोप क्या देगा आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है भैया। और अगर आप मोमेंटम को ही कॉन्स्टेंट कर दो तो आपको पता होना चाहिए भैया पी वी और एम के बीच का जो ग्राफ होगा ऐसे आएगा, ठीक है, यदि वेलोसिटी ज्यादा तो मास कम होगा, देखो ना हाथी और साइकिल का मोमेंटम सेम है, इसका मतलब क्या है साइकिल का मास तो कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा, हाथी का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी, समझिए भैया।
फिर आता भैया फर्स्ट लॉ फ्रेंड, क्या आता है फर्स्ट लॉ फ्रेंड, न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है भैया कि एवरी क्या भैया, क्या भैया, एवरी बॉडी कॉन्टिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जब तक किसके ऊपर कोई क्या लगे भैया फोर्स लगे, और वो फोर्स इतना ज्यादा हो कि वो बॉडी की स्टेट को क्या करे चेंज कर सके। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ। ठीक है भैया, अब फर्स्ट लॉ के तीन पार्ट होते हैं, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, बॉडी सीधी चल रही है तो चलती रहेगी, कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाता है। ठीक है भैया, उसके बाद भैया फोर्स डिफाइन द फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स। तो भैया फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगता तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, इसका मतलब फोर्स ऐसी एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल मैंने वही करा था जो थर्ड लॉ के उसके इनर्शिया के एग्जाम्पल है। ठीक है भैया, अब आते हैं भैया बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, यदि बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा? और मोमेंटम का चेंज हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? अगर फोर्स की डायरेक्शन में आप मोमेंटम को चेंज कर देखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए ना। मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और मोमेंटम अब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी मोमेंटम का चेंज हमेशा क्या होता है, फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। पॉजिटिव मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। नेगेटिव मतलब समझ गया, मोशन का पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसकी डेरिवेशन देख लीजिए, तो डेरिवेशन भी कुछ नहीं है इसकी। क्या कहता है भैया, फोर्स डायरेक्टली टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये प्रोपोर्शनल साइन क्या होता है, के होता है, के की वैल्यू का t1 होती है, तो f इज इक्वल्स टू मी p, p की वैल्यू का होती है mv अपॉन में डेल्टा t। ठीक है, f इक्वल्स टू मी का m कांस्टेंट है, डेल्टा t v अपॉन में डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा क्या होता है, f इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हो गया डेरिवेशन हो गया। ठीक है, जो भी मैंने नोट्स में करा रखी है वैसे भी डेरिवेशन कर सकते हो आप। ठीक है, फोर्स के साइन यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, दो तरह की यूनिट होती है, ग्रेविटेशन यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट। ग्रेविटेशन यूनिट होती है प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है, जैसे 1 किलो मास का फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, हर जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन 1 किलो मास को अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओ तो हमेशा 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट करेगा। ठीक है भैया, तो वो एब्सोल्यूट यूनिट मानी जाएगी। ठीक है, ये एब्सोल्यूट यूनिट होती है, ये क्या भैया, ये एब्सोल्यूट यूनिट है, और ये क्या भैया, ग्रेविटेशन, जो वेट होता है वो ग्रेविटेशन यूनिट होता है, प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है। नोट से पढ़ लेना आसान है। ठीक है भैया, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, अगर एक ही फोर्स लाइट बॉडी पे लगाओगे, एक वही फोर्स हैवी बॉडी पे लगाओगे, तो हैवी बॉडी का मास ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और लाइट बॉडी का मास कम होने की वजह से उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। खैर पहले थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेकंड लॉ को रियल लॉ। क्वेश्चन वही करना जो मैंने करा रखे हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो पक्का कर लेना, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं कराऊंगा वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी नोट्स में करा रखे हो, कर लेना। ठीक है, अब आता भैया इंपल्स। इंपल्स क्या होता है भैया, इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब मैं इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोलूंगा तो मोमेंटम होगा, क्या होगा, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स वेरी स्मॉल टाइम क्या होगा, इंपल्स होगा। क्या होगा? और इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में टाइम, टाइम फोर्स इनटू में कौन सा टाइम, टाइम ऑफ कांटेक्ट। टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या भैया, बहुत छोटा है। ठीक है भैया, तो इंपल्स इक्वल्स में एफ इनटू में डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या भैया, छोटा टाइम, समझ गया। फिर आता भैया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या आता भैया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंट आपको पता भैया फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्रॉस में डेल्टा पी अपॉन में एफ डेल्टा टी हो जाएगा। मैंने कहा डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो भैया क्या बन गया, इंपल्स, वो किसके बराबर, डेल्टा पी के। यानी चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है, इंपल्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स में इंपल्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, समझ गया भैया। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैंने कराया था इसके, क्वेश्चन जो मैंने कराया था वही करना, एग्जांपल जो कराया था वो याद रखना। ठीक है, अच्छा एफटी ग्राफ बताया था मैंने, क्या बताया था, एफटी ग्राफ देख लीजिए भाई, फोर्स टाइम ग्राफ। अगर भैया फोर्स कांस्टेंट है, क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, टाइम भी है, वेरिएबल है, तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, एफ टी ग्राफ। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकाल दीजिए तो क्या देगा, इंपल्स देगा। रेक्टेंगल का एरिया आप पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल, लेकिन चेंज क्या है भैया, चेंज इन फोर्स क्या है भैया, कॉन्स्टेंट है, और टाइम क्या है भैया, वेरिएबल है, टाइम क्या है, तो ग्राफ कैसे आएगा, एफ टी ग्राफ ट्राइंगुलर शेप का होगा, क्या भाई, टाइम अरे क्या फोर्स, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, ये भी क्या देगा, इंपल्स देगा। अच्छा, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, चेंज एफ भी वेरिएबल, चेंज इन फोर्स भी क्या भैया, वेरिएबल, और टाइम भी क्या भैया, वेरिएबल, तो भैया आपका ग्राफ क्या रहेगा, इरेगुलर शेप का रहेगा। कैसा रहेगा, आई शेप रहेगी, ये टी1 टाइम और ये क्या है, टी2 टाइम। यहाँ पे क्या निकालोगे, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया क्या देगा, छोटा सा इंपल्स, वो क्या होगा, एफ इंटू में इस टाइम का फोर्स क्या भैया, एफ, और यहाँ पर टाइम कितना है, डी टी, तो एफ इंटू में डी टी देगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का इंपल्स निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये क्या होगा, आई, और इसको इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, एफ डी टी, टी1 से लेकर डी2। क्वेश्चन करा रखा है मैंने, कर लेगा, समझ गए भैया, याद है।
अब चीज ये पता है, आप समझ गए होगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन में कितना भी तेज करा दो, आप सोचो इतना तेज मैंने पढ़ा होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब इतना तेज रिवीजन करा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पता है कि भैया हाँ ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब एक बार आप इसको अगर रिटर्न में ले लोगे ना पूरे नंबर, क्वेश्चन कर लेना भाई, क्योंकि आपको पता है रिविजन में इतना टाइम नहीं होता कि भैया हर चीज कराई नोट्स जाए। नोट्स टेलीग्राम पे पड़े हुए यार। छोड़ी हाँ? दे अबे टेलीग्राम पे ज्यादा सारे नोट्स पड़े हैं, कोई भी बात नहीं, वहां पे कुछ नोट्स पड़े हैं, वहां से देख लियो क्या दिक्कत है। ठीक है, नहीं अब देखिए, कर रहा ठीक है, फिर आता थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है भैया एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन। यहाँ पे फालतू पॉइंट नहीं याद करने, ठीक है भैया। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इस पे रखी जो बुक होगी उसका वेट क्या होगा, एक्शन, और ये क्या होगा, रिएक्शन। क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है। ये तो हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम आउट ऑफ सिलेबस है। पैर चलना, चलते हो तो भैया क्या लगाते हो, जमीन को पुश करते हो। पुश करना क्या होता है, एक्शन होता है, और फिर क्या आएगा उसका, भैया रिएक्शन आएगा। रिएक्शन के दो कंपोनेंट है, रिएक्शन कॉस थीटा और रिएक्शन साइन थीटा। रिएक्शन कॉस थीटा ज्यादा होगा तो आदमी क्या होगा, आगे इतना बढ़ेगा। हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम मत करना, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है भैया। सेकंड लॉ इज रियल लॉ, ये सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है। सेकंड लॉ इज रियल, सेकंड लॉ इज रियल लॉ, ठीक है। तो भैया देखिए, बिकॉज इट कंसिस्ट विद द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ का प्रूफ देखिए, फर्स्ट लॉ हम जानते हैं, फिर उसमें क्या है, सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ हो गया। मैंने कह दिया इफ एफ इक्वल्स में जीरो, इसका मतलब मास इनटू में एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्या जीरो हो सकता है, एक्सीलरेशन में भी जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने देखिए सेकंड लॉ लिया था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सीलरेशन, उसमें एक कंडीशन रखी, क्या आ गया, फर्स्ट लॉ आ गया। यानी फोर्स नहीं है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ इन सेकंड। अब प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों आपस में टकरा गई, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, समझ गए भैया। इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी वन। इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी टू। टाइम ऑफ कोलिजन क्या था, डेल्टा टी। तो मुझे पता है एफ वन किसके बराबर होगा, डेल्टा पी वन अपॉन में डेल्टा टी। एफ टू किसके बराबर होगा, डेल्टा पी टू अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, एफ वन प्लस एफ टू। डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या होगा, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू। हम देख रहे हैं कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, कोई बाहर से फोर्स, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो कुल चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, जीरो आता है। बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है भैया अगर बाहर से फोर्स लग रहा तो दो बॉडी अगर आपस में टकराती है तो एक का मोमेंटम हो सकता है बढ़ेगा, दूसरे का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना दूसरी वाली बॉडी का बढ़ेगा तो उतना दूसरी वाली का क्या होगा, कम हो जाएगा। एक का पॉजिटिव चेंज आएगा, एक का नेगेटिव चेंज आएगा, दोनों को चेंज को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जीरो। ये पूरा क्या आएगा, जीरो हो गया। तो एफ वन प्लस एफ टू वन बाय में डेल्टा डी जीरो हो गया, तो एफ वन इक्वल्स में नेगेटिव ऑफ एफ टू, दैट इज द प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ इन क्या था, ये क्या था, सेकंड लॉ था। ऐड किया, क्या आ गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया, क्या आ गया। फिर आता भैया थर्ड लॉ, ये लिफ्ट प्रॉब्लम, ठीक है भैया। इसमें भैया एक ही कंसेप्ट लगा हुआ है कि भैया नेट फोर्स किसके बराबर होता है, बॉडी का मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स क्या होगा, दो अपोजिट फोर्स को देख रहे हो, अगर आप दो अपोजिट फोर्स पे, मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है एफ वन और एक फोर्स क्या लग रहा है इधर एफ टू, ठीक है। मैंने बोल दिया एफ टू क्या, एफ वन से ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एफ टू माइनस एफ वन के, किसके बराबर, बॉडी के मास इनटू में एक्सेलरेशन। बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है भैया। अब आते भैया जितनी भी लिफ्ट प्रॉब्लम है सब इसी पे बेस्ड है। इस पे है, एक बार देखोगे कनेक्टर मोशन देख लीजिए। कनेक्टर मोशन में क्या होता है भैया, एक पुली से दो मास लटके हुए, एक मास एम वन है, एक मास क्या भैया एम टू है, ठीक है। इसके ऊपर टेंशन जी लग रहा है, रस्सी सेम है तो टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसका मास क्या, वेट क्या होगा, एम वन जी। इसका मास वेट क्या होगा, एम टू जी। मैंने कहा भैया ये पुली मासलेस है, इसके पास कोई इनर्शिया पिनर्शिया नहीं है, सब छोड़ दो भूल जाओ, ठीक है। ये बॉडी कहाँ, ये नीचे, तो ये जितने से एक्सिलरेट करेगी नीचे, ये उतने से एक्सिलरेट करेगी ऊपर। बड़े वाले कंसेप्ट जो मैंने कराए थे इससे सब भूल जाना, अभी मत करना आपको, केवल नॉर्मल करना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी नीचे आ रही है तो इसका मतलब नेट फोर्स किसके बराबर होगा, इस बॉडी के मास और इसके एक्सीलेशन। इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो ये बॉडी नीचे आ रही है, तो एम टू जी माइनस टी बराबर में क्या होगा, एम टू। एक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर वाली बॉडी एम वन ए एम वन के बराबर होगा। आप देखिए बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और ये वाला फोर्स क्या होगा, कम।
जी यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए, ये चैप्टर की पूरी थ्योरी मैंने खत्म कर दिया इस वाले बैच में, इस वाले बैच में थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी। ठीक है खत्म होगी। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैंने करा रखे हैं केवल वही करना, बाकी और एक क्वेश्चन और भी है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये एक मॉलिक्यूल था ठीक है, वो रेस्ट में था, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, लेकिन ये टूट गया दो टुकड़े में, कह रहा है कि ये शो करो कि इसके दोनों टुकड़े की वेलोसिटी क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्या होगी। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, एम वन, इसका मास क्या होगा, एम टू हो गया, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वन वी प्लस एम टू वी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल। तो हम देखोगे कि भैया